नेहा, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें जीत के लिए 164 मत मिले जबकि 144 वोटों की ही जरूरत थी। उन्होंने शिवसेना की उम्मीदवार राजन सालवी को हराया जिन्हें 107 वोट ही मिले। इस पद के लिए राहुल शिंदे गुट। और बता दें आपको कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। पेशे से वकील राहुल नार्वेकर के नाम का ऐलान जब हुआ तब एक बार सब सोच में पड़ गए थे। आइए जानते हैं राहुल नार्वेकर कौन है और उनके ही नाम पर मुहर क्यों लगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 45 साल के राहुल नार्वेकर पेशे से वकील हैं। उनके पिता सुरेश नार्वेकर बृहन मुंबई नगर निगम में पार्षद थे। उनके भाई मकरंद बीएमसी के वार्ड नंबर 227 से दूसरी बार पार्षद बने हैं। उनकी भाभी हर्षिता भी बीएमसी के वार्ड नंबर 226 से पार्षद है। इसके अलावा राहुल विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष एनसीपी के वरिष्ठ नेता रामराजे निम्बालकर के दामाद भी हैं। नार्वेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता रामराज नाइक के दामाद भी हैं। नाइक इस वक्त महाराष्ट्र विधान परिषद के मौजूदा अध्यक्ष हैं। राहुल नार्वेकर ने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल हुए थे। बीजेपी ने साउथ मुंबई की कोलाबा विधानसभा सीट से टिकट दिया। उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। राहुल नार्वेकर इस समय देश बीजेपी के मीडिया इंचार्ज भी हैं। बीजेपी से पहले राहुल नार्वेकर शिवसेना और एनसीपी में भी रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक राहुल नार्वेकर 15 साल तक शिवसेना में रह चुके हैं। 2014 में वह राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन शिवसेना ने मना कर दिया। इसके बाद वह शिवसेना से इस्तीफा देकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह एनसीपी के टिकट पर मावल सीट से मैदान में उतरे थे लेकिन वहां उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। इसी के साथ बता दें आपको कि राहुल नार्वेकर को चुने जाने के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी उधम भरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसी ही और बातें अगर आपको बताएं तो बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जो माहौल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ही अहम देखने को मिल रहा है। इसी बीच बताते चलें आपको कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है उसको देख कर सबके कान खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है जिसका आज पहला दिन बताया जा रहा है और अभी ये आज या कल में चलने ही वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी थामी तो है लेकिन अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में चला सियासी बवाल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद थमेगा या नहीं। इसी बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक आंख नहीं मिला पा रहे हैं। आदित्य ने कहा कि बागी विधायक जो आज आए थे हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आप कब तक एक होटल से दूसरे होटल में जाने वाले हैं? इन विधायकों को एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना होगा, फिर वे लोगों का सामना कैसे करेंगे? आदित्य ठाकरे इस बात के बारे में कहते नजर आए और उनका बयान सामने आया कि विधानसभा के विशेष सत्र का पहले दिन के बाद आया है जहां पर विधानसभा चुनाव का जो स्पीकर है वो तय हुआ है। बताते चले आपको कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और महाराष्ट्र में चला सियासी बवाल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद थमेगा या नहीं, ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। रविवार को स्पीकर चुनाव यानी कि आज और सोमवार फ्लोर टेस्ट के लिए बागी विधायक शनिवार शाम गोवा में मुंबई पहुंचे। वे विधान भवन के पास ही एक लग्जरी होटल में ठहरे थे। इसके बाद चुनाव से पहले विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचे। विधानसभा स्पीकर के चुनाव में कोलाबा से बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर सदन के स्पीकर बने हैं। कुल 288 सीटों वाले विधानसभा में फिलहाल कुल 285 सदस्य हैं। बीजेपी के नार्वेकर को 164 वोट मिले हैं और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन सालवी को 107 सीटें मिली हैं। इसी के साथ अगर हम आपको बताते चले एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के लिए कुछ दिन पहले दो सुझाव दिए थे।
बता दूं मैं आपको कि एकनाथ शिंदे 9 दिन की राजनीतिक घमासान के बाद शिवसेना के बागी गुट की जीत हुई और अब महाराष्ट्र की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई थी। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। महाराष्ट्र में तख्ता पलट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे काफ़ी खुश हैं और ऐसे में उन्होंने नए सीएम एकनाथ शिंदे को दो सुझाव दिए। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे की राह पर चले थे, जब उन्होंने साल 2005 में उनके और उद्धव ठाकरे के बीच सत्ता संघर्ष के बाद शिवसेना के संरक्षक बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए राज ठाकरे ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि सतर्क रहें, सोच समझकर कदम उठाएं। ईश्वर ने आपको यह अवसर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने प्रदर्शन से साबित करेंगे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, जब कोई सौभाग्य को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि समझने की भूल करता है तो उसके साथ पतन की ओर यात्रा शुरू होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूचाल में राज ठाकरे ने फ्रंट फुट पर आकर जो कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने इस दौरान उनसे दो बार बात की थी। बता दें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विद्रोह करने से कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर को लेकर बगावत की थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों से लाउडस्पीकर को तोड़ देंगे और मस्जिद के सामने खड़े होकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। इसी के साथ बता दूं आपको कि सीएम शिंदे बाल ठाकरे को लेकर काफ़ी कुछ कहते नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ था। इस बीच देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों के आधार पर अब बीजेपी शिवसेना सरकार ने कार्यभार संभाला है और लोग विपक्ष में सरकार में चले जाते थे, लेकिन इस बार सरकार के नेता ही विपक्ष में चले गए। ये देश के इतिहास में पहली बार की नई सरकार बनाने के लिए सरकार छोड़ी गई। कुछ ऐसी ही बातें वो कहते नजर आए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़।